हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। अगर आप अपने वीडियो का इम्प्रेशन CTR यानी कि इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट चेक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं वीडियो का इम्प्रेशन CTR चेक करने का सही तरीका बताऊंगा। सो फ्रेंड, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए मैं ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूँ, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इम्प्रेशन CTR चेक करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले YT स्टूडियो ऐप को ओपन कर ले। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद अब आप जिस वीडियो का इम्प्रेशन CTR चेक करना चाहते हैं उस वीडियो के ऊपर ही क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन नज़र आएगा ब्लू कलर में, गो टू वीडियो एनालिटिक्स का, तो इस पर ही क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप ऊपर की ओर नज़र आ रहे रीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर पर इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक इसके नीचे देख सकते हैं इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट का परसेंटेज भी दिखा रहा है जो कि 14.7% है। आपके वीडियो का जितना ज़्यादा इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट होगा उतना ही अच्छा वीडियो माना जाएगा। अगर आपके वीडियो का बहुत ही कम इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट होगा तो ख़राब माना जाएगा, यानी कि बेकार वीडियो माना जाएगा। अगर आपके वीडियो का 10% से ज़्यादा इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट है तो आपके वीडियो को अच्छा माना जाएगा। अगर आप अपने वीडियो का इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट सुधारना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड, मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कॉमेंट और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो पर।